नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। भारतीय वैज्ञानिकों ने कर दिखाया, समय से पहले बनेगा भारत का खोकार। CDR सफल, अब मैन्युफैक्चरिंग की है तैयारी। जी हां, मैं बात कर रहा हूं एम का, फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट की। अभी भारत 4.5 जनरेशन का, हाल ही में भारत ने फर्स्ट फ्लाइट यानी कि पहली उड़ान भरी है, किसकी? तेजस मार्क 1A की, जो कि 4.5 जनरेशन का है। इसका 83 का ऑर्डर ऑलरेडी HAL के पास है, बहुत जल्द प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी। उसके बाद 97 का ऑर्डर और पास हो चुका है, ये बहुत जल्द पूरा किया जाएगा। कुछ लोगों का कमेंट्स में ये कहना है कि भारत को पहले बहुत साल बाद मिले हैं, लेकिन ये पहले वाला भारत नहीं है। इसकी कैपेसिटी, इसकी कैपेबिलिटी सब कुछ बढ़ चुकी है, इस पर शक करने की ज़रूरत नहीं है। ये बदलता भारत है, जो काम पहले 20 साल में होता था वो काम अब 1 साल में भी हो सकता है। तो हमें समय पर हमारे तेजस मार्क 1A मिलेंगे। अब दूसरी बात आ जाते हैं मेन पॉइंट पे, एम का CDR यानी कि क्रिटिकल डिज़ाइन रिव्यू जो है वो सफल हो चुका है। सबसे मेन काम होता है यही कि हम जब उसका डिज़ाइन बनाएं तो वो डिज़ाइन ऐसा हो, क्योंकि हम फिफ्थ जनरेशन का बना रहे हैं तो इसे स्टेल्थ बनाना है, जिससे कि रडार की पकड़ में ना आए। तो वो जो डिज़ाइन है वो पास हो चुका है, उसका जो मटेरियल है, मटेरियल कटिंग के लिए शुरू हो चुकी है। इसका जो प्रोटोटाइप है बहुत ही जल्द सामने आएगा, और इस प्रोटोटाइप के सामने आते ही मैन्युफैक्चरिंग की तैयारी है, एक बड़े मास ऑर्डर की यानी कि बल्क ऑर्डर की तैयारी है। उसके लिए कई सारी कंपनियों को टेंडर जारी किए जाएंगे। बहुत ही जल्द आपको बहुत सारी खबरें एमका के बारे में सुनने को मिलेंगी। एमका के लिए जो पिछले 2 महीने पहले ही एमका के लिए फाइनली ये अमाउंट जो 15,000 करोड़ का था प्रोटोटाइप बनाने के लिए, वो फाइनल हो चुका था, रिलीज़ हो चुका है, उस पर काम भी चल चुका है। ADA यानी कि एरोनॉटिक्स डेवलपमेंट एजेंसी, जो कि DRDO का ही एक दूसरी विंग है, तो उन्हीं ने ये सब चीज़ें बताई हैं। अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें होते हुए आप एमका को देखेंगे कि बहुत जल्द बनेगा। भारत देर से जागा, लेकिन जागा, और अब भारत की स्पीड वो है जिसे मैच कर पाना संभव नहीं है। जी हाँ, भारत की GDP को मैच कर पाना संभव नहीं है। भारत के वैज्ञानिकों पे शक करना किसी भी तरह की कोई गुंजाइश नहीं है कि उस पे शक किया जाए। भारत की काबिलियत और भारत के कैपेबिलिटी, क्योंकि हम आप हम सब से ही मिलाकर भारत बना हुआ है, और हम कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि हमारा भारत कभी भी पीछे रहे। अपने भारत के लिए हम जी जान से मेहनत करेंगे और कर रहे हैं, अपने वैज्ञानिकों के लिए, अपने भारत के लिए और अपने साइंटिस्टों के लिए, साथ ही साथ अपने आने वाले एमका के लिए। वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।